Deepu. Oh, so nice. Come, 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 Manish. ये देखो तुम्हारी क्या बात दीदी, अब फिर से यहाँ छोड़ के नहीं जाओगी ना? हाँ, क्यों? हम क्या काटते हैं? नहीं, पर वहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आता है क्योंकि वहाँ पे सबके दरवाजे खुले होते हैं, कभी भी किसके साथ भी बात कर सकते हैं, किसी के भी घर जा सकते हैं और कुछ भी खा सकते हैं। और यहाँ? और यहाँ सब बंद बंद। ओहो। और आप दोनों फोन पे। अरे देखो तो इतनी सी है और बोलती है एकदम पुष्पा बेन जैसे। पुष्पा इम्पॉसिबल की दादी जो उनकी चमची चमची नहीं उनके जैसे चटपटी। ओके मिस चटपटी, एक मिनट रुको रुको। तो अगर स्वरा जा ही रही है तो साथ में ये भी लेती जाए। यू आर वेलकम। डैड यू आर स्पॉइलिंग हर। ओ स्पॉइलिंग हर। अरे भाई नाना नानी होते ही हैं स्पॉइल करने के लिए, तुम सुधार देना। और वैसे भी हमारी भी एक ऐसी ही छोटी बच्ची थी जिसे हम बिगाड़ते रहते थे। वैसे पुष्पा कहाँ है? जुगल घर, वो आग को बुझाइए जल्दी। डैड मर जाएंगे, प्लीज जल्दी वो आग को बुझाइए, प्लीज आग को बुझाइए, डैड मर जाएंगे। राशि, गैस चल रहा था, राशि आग नहीं लगी है, संभाल अपने आप को, शांत हो जा। ये ले, थोड़ा पानी पी ले। ठीक है आप यही रहिए, कहीं मत जाइए। मैं यही हूँ पुष्पा, क्या आने तक कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, मेरा बोलने का मतलब है कि आप पाटन मत जाइए, आप यही मुंबई में रहिए। मैं ऑलरेडी एक फैमिली मेंबर को खो चुकी हूँ, मैं आपको नहीं खोना चाहती। आप प्लीज कहीं मत जाइए, आप पाटन मत जाना प्लीज। आप नहीं जाएंगे ना? प्लीज बोलिए, आप नहीं जाएंगे ना जुगल अंकल? बोलिए ना, आप नहीं जाएंगे ना? मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही हूं, शांत हो जा। थैंक यू। मुझे आजकल पता नहीं क्या हो जाता है, डैड मुझे ना हर जगह दिखाई दे रहे। जुगल अंकल कल भी डैड घर के दरवाजे पर थे और उसके तुरंत बाद वो चौल के फायर में दिखाई दिए। मेरा मन मानता है कि वो जिंदा है अभी भी, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। लेकिन मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है क्या हो रहा है। संभाल अपने आप को, डैड जिंदा है अभी भी। संभाल अपने आप को, शांत हो जा। सर, प्रकाश गोलके की फैमिली ने पुलिस में मिसिंग कंप्लेन कर दी है। और मंगल ने पुलिस को यह भी स्टेटमेंट दिया है कि प्रकाश आग के टाइम साइन वाला रेस्टोरेंट के अंदर था और पुलिस को शक है कि वो लाश शायद प्रकाश की भी हो सकती है। कौन है? कौन है? कौन है? दिलीप, दिलीप,
कौन है? जो भी है सामने आओ। I missed you. कितने दिन हो गए? मेहमान की तरह आता है और दो चार दिन में खुशियों की तरह चला जाता है। मेहमान क्या काकू, आपको तो पता है ना, स्कूल के एनुअल फंक्शन में बिजी था। फिर वो बच्चों की फील्ड ट्रिप, ऑर्फनेज का काम, सोशल वर्क, ये सब में गिनवा, सब कुछ गिनवा, एक तेरी आई के सिवा। सॉरी 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 सॉरी, मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहने वाला हूँ, पक्का प्रॉमिस। जाने का नाम तो ले। अरे ओ माय गॉड, मिस्टर विक्रम सरन। काकू, योर इनविजिबल सन इज विजिबल टुडे, हाउ? कैसी हो सबरी? और भास्कर, आरव, शोभा आंटी, सब ठीक? सब मजे में। काकू बहुत मिस कर रही थी आपको। वैसे जुगल जी ने अच्छी कंपनी दी, पर फिर भी। अरे काकू, आपके लिए ना मसाला खिचड़ी लाई थी, पर मैं तो सिर्फ आपके हिसाब से लाई थी, पर इसी में थोड़ी और ऐड करके लाती हूँ, अभी लेकर आती हूँ। अरे पर यही तो खास बात है इस स्टॉल की, सुनाते सब है, सुनता कोई नहीं है। अच्छा एनीवे, मैं फ्रेश होने दो, उसके बाद मुझे मेरे स्टूडेंट से भी तो मिलना है। अरे पुष्पा जी, और कौन? चल चल, मैं ये चलो। संगीता ताई ने इस्तीफा लेने से मना कर दिया। जुगल, मुझे राशि की बहुत फिक्र हो रही है। डैड, प्लीज चलिए ना। राशि? हाँ? किससे बात कर रहे हो बेटा? मम्मी देख, डैड कर रहे थे, डैड आए। मैंने ना इसीलिए फोटो पर से हार हटा दिया था, मुझे विश्वास था कि डैड मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। देख मम्मी, डैड वापस आ गए। वहाँ पर कोई नहीं है राशि। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था पुष्पा। क्या राशि, पुष्पा कहाँ है? चुका अंकल, वो आपको बुझाइए जल्दी, डैड मर जाएंगे, प्लीज जल्दी वो आपको बुझाइए, प्लीज आपको बुझाइए। राशि, गैस जल रहा था राशि, आग नहीं लगी है, संभाल अपने आप को। राशि का मन कह रहा है कि दिलीप जिंदा है, उसे बार बार अपने आसपास देख रही है, उसे महसूस कर रही है। जुगल, अगर दिलीप जिंदा है तो इसे लुक्का छुपी क्यों खेल रहा है? तो कुछ पता चले तो समझ में आए पुष्पा, लेकिन अभी राशि को कुछ भी करके इस सदमे से बाहर निकालना होगा। रोल नंबर 48 प्रेजेंट। सर, आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? हाय जुगल जी। हेलो।
नाना बटी सर तो आपको छोड़ते ही नहीं, कम से कम शक्ल दिखाने तो आ ही सकते हैं ना आप। आपको पता है काकू आपको कितना याद करती है? जानता हूँ पुष्पा जी, उनकी पूरी डांट सुनने के बाद ही आया हूँ मैं। अरे मैं भी क्या डूबी हूँ एक नंबर की यहाँ खड़े खड़े बात। आइए ना बैठिए ना। एक्चुअली सच कहूँ तो बहुत ही बिजी था, कैसे वैसे समय निकाल के यहाँ पे आया हूँ। वो सब जाने दीजिए, मुझे बताइए आप ठीक है? वैसे तो ठीक हूँ सर, पर आप नहीं थे तो काफी कुछ हो गया। अच्छा ऐसा क्या हुआ? एक यही टाइम होता है जब तू मेरे पास रहता है, अकेला और फोकस्ड। हाँ यार, स्ट्रेस कम ही नहीं होता। एक तो पता नहीं राशि को क्या हो गया, उसे लगता है कि पापा जिंदा है, आसपास हैं। ऊपर से वो गैस वाला इंसिडेंट, ये तो अच्छा हुआ कि जुगल जी थे वहां पर। वैसे उस समय तू कहाँ थी पन्नू? मैं मम्मी से मिलने गई थी। राशि को इस समय बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकते, किसी और के आने के बाद चले जाना चाहिए था। क्या ही अच्छा, चौल में ही थी मैं, मुझे क्या पता था ये सब होने वाला है। और अगर तू राशि के बारे में इतना ही कंसर्न्ड है तो तू खुद रह ले घर, वर्क फ्रॉम होम। पन्नू इस बात पे तू तू मैं करने का कोई मतलब नहीं है। 10 मिनट शांति से बैठ भी नहीं सकते। और अब उसे ऐसा लगता है कि दिलीप मरा नहीं है, जिंदा है। ओ गॉड, इस सबका राशि पर बहुत गहरा असर हुआ होगा। पुष्पा जी, आई थिंक राशि को PTSD का एक माइल्डर फॉर्म है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब ऐसे अग्रे नाम लेकर डराइए मत सर। सर मैं क्या बोलती हूँ, आपने पहले भी राशि की मदद करी थी, क्या इस पर भी वो काउंसलिंग करके थोड़ा बहुत कुछ? वैसे डॉक्टर ने भी कहा था कि उसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। मुझे लगता है राशि को फिलहाल एक डॉक्टर से ज्यादा एक दोस्त की जरूरत है जो उसे सब कुछ रैशनली समझाए। डोंट वरी, अब मैं आ गया हूं ना, आई विल सी व्हाट आई कैन डू। थैंक यू सर। तू नहीं थी तो 1000 सवाल पूछने वाला भी कोई नहीं था। पता है घर कितना सूना हो गया था? क्यों सूना हो गया था? कोई और नहीं था? आपने मुझे मिस किया तो फोन क्यों नहीं किया? आती शुरू हो गई। बोलो तू नाश्ता करना, नाश्ता अच्छा नहीं है? नहीं बहुत अच्छा है। तू खा ना। क्या हुआ राशि दीदी? नो स्माइल और नाश्ता भी खत्म नहीं किया, अच्छा नहीं है? पुष्पा इम्पॉसिबल राशि दीदी करती है? नहीं, वो उसे भूख नहीं होगी। तू नाश्ता कर। सरन सर आए हैं, मैंने उनसे राशि की काउंसलिंग के बारे में बात की। ये क्या होता है? होता है कुछ मैं बाद में समझाऊंगा, अभी तो नाश्ता कर, स्कूल भी जाना हमारी माँ। आज छुट्टी है, आज संडे है, संडे भूल गई? तेरे चक्कर में सब भूल गई मैं। हाँ नाश्ता का, गोद लेने का प्रोसीजर आगे बढ़ा क्या? डैड ने अपनी पहचान से बात फास्ट ट्रैक करवा दी है, कॉल कभी भी आ सकता है।
वो दोनों गुड्डी है। कौन दोनों? वो सामने सामने। ए, पंचायत की पोटली, तू नाश्ता कर, उनको बाद में देखते हैं। पापा, प्लीज डैड को वापस भेज दीजिए ना। अगर आपने उन्हें जिंदा रखा है तो उन्हें लौटा दीजिए ना, प्लीज। हाय राशि, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? गुड। आप कब आए? कल रात ही आया, पुष्पा जी से बात हुई मेरी, जो कुछ भी हुआ पता है मुझे। सर, I'm so confused, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आओ, come sit. Sit. थोड़ा समय दो, सब ठीक होगा, I promise. But until then, make sure के you don't rush your thoughts. अच्छा, by the way, मैंने सुना कि तुम पाटन चली गई थी ऑन फील्ड असाइनमेंट के लिए। हाँ, बहुत मजा आया, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था ना वहां पे। फिलहाल राशि को उसी की उम्र के किसी कंधे की जरूरत है जो उसे समझ सके। और फिर यहां पर आई, सबको सरप्राइज देने आई थी, खुद शौक में चली गई। राशि बहुत बड़े सदमे में है विक्रम, बेचारी एकदम मुरझा गई। I know. उसी का मन पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। Don't worry. She'll be fine. इससे क्या हुआ? ला ये खिलौना मुझे दो। खिलौना? हाँ ठीक है, लेके देखिए। चल। अच्छा? जा जा। अरे बाबा। हाँ? अरे बाबा। आपको पता है चौल में ना सिर्फ चार पांच लोग हैं जिसकी गोदी में ये जाता है, अदरवाइज तो सबके पास जाते बस रोना शुरू। बंदा इंटेलिजेंट है, चॉइस तो ऊंची होगी ना इसकी। अच्छा, तो फिर आप एक काम कीजिए ना, 5 मिनट इसे संभालिए, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। ये खिलौना भी रखिए। अरे सॉरी, ओए हीरो, तुम्हारी मम्मी ने तो चांस पे डांस कर लिया यार। अब तुम मेरे साथ है। ए? ए? हाय, ओए, ओए। इसे यहाँ मत रखो। तुम्हारी आई
भगवान जी के पास गई है ना, मेरे डैड का अभी तक कुछ पता नहीं है। तुम्हें यकीन है लेकिन मैं अभी भी सच्चाई और शक के बीच में झूल रही हूँ। मैं मेरी आई को बोलूंगी भगवान जी को पूछने के लिए आपके डैड के बारे में। अब रोना मत राशि दीदी। बच्चे अपनी मासूमियत से कैसे हर घाव पर मरहम लगा देते हैं ना। पट्टी सरन सर कर देंगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.